तो गाइस ये है Realme का C51 और इस वाले फोन को मुंह से यूज करते हुए 15 दिन हो चुके हैं और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह का ये फोन है, क्या चीजें आपको अच्छी मिलती है, क्या चीजें आपको खराब मिलती है और क्या आपको इस वाले फोन को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को लाइक कर दो, 500 लाइक का टारगेट सेट करते हैं, आई होप आप पूरा कर दोगे। तो सबसे पहले मुझे इस वाले फोन में जो अच्छा लगा है वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद जो अच्छा नहीं लगा है वो मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे भाई इसका डिजाइन चुम्बेश्वरी वाला है, मतलब डिजाइन भाई एकदम आईफोन 40 प्रो के जैसा लगता है। हालांकि बैक पैनल जो है ये पॉलीकार्बोनेट है और इसके बैक पैनल पे काफी ज्यादा फिंगरप्रिंट के निशान आते हैं। हालांकि अभी तक इसके बैक पैनल पे स्क्रैच नहीं आए हैं, मैंने विदाउट कवर रखा था। बाकी बॉक्सी फ्रेम है, थोड़ा सा फोन बड़ा है तो वन हैंड यूज में कम्फर्टेबल नहीं है, आपको दोनों हाथों का यूज करना पड़ेगा, लेकिन फोन का वेट उतना नहीं है, ज्यादा भारी नहीं लगता है फोन। बाकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह फोन की सॉलिड लगी है, बिल्ड बाय डिजाइन बाय फोन मेरे को अच्छा लगा है। बाकी ये फोन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट के साथ आता है जो कि हर बार अच्छे से काम कर जाता है। सिंगल स्पीकर दिया हुआ है। अब इसकी लाउडनेस वगैरह मेरे को अच्छी लगी है लेकिन वॉइस में क्लियरिटी नहीं होती है दोस्तों। बाकी आपको 6.74 इंच की एक HD+90Hz वाली डिस्प्ले लगी हुई मिल जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों डिस्प्ले में यहाँ पे काफी ज्यादा कटौती करे ये लोग, एक तो भाई HD+ डिस्प्ले दिए है और ऊपर से जो 90Hz का रिफ्रेश रेट है ना इसका, वो उतना अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं है। इसका होम स्क्रीन ही 90Hz पे काम करता है, अदरवाइज यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे 60Hz पे चला जाता है एंड यूट्यूब वगैरह पे आप 720p से ऊपर की वीडियो प्ले नहीं कर पाओगे। मैंने वीडियो वगैरह देखा इस वाले फोन में, कलर्स वगैरह अच्छे देखने को मिलते हैं, कलर एक्यूरेसी अच्छी है, लेकिन रेजुलेशन वगैरह इन लोगों को थोड़ी सी और बेटर देनी चाहिए थी एंड ब्राइटनेस वगैरह आउटडोर में अच्छी है। तो यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि प्राइस पॉइंट के हिसाब से डिस्प्ले उतना कोई निराश नहीं करेगा आपको। बाकी ये फोन 5000mAh की बैटरी के साथ आता है, मैंने इस वाले फोन को नॉर्मल यूज करा है, मेरे को 1 से 1.5 दिन का बैकअप ये फोन इसलिए निकाल कर दे दिया है और आपको 33W का फास्ट चार्जर मिल जाता है, तो ये फोन 1 hour 35 minutes में 0 to full चार्ज हो जाएगा। बाकी दोस्तों इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसमें आपको यूनिसॉक्स T612 का प्रोसेसर लगा हुआ मिल जाता है। मैंने इसकी अंतुतु स्कोर निकाली थी, 2 lakh+ की इसकी अंतुतु स्कोर निकल के आती है और मैंने इसमें BGMI प्ले करा था। जायरो वगैरह का काफी डिले सपोर्ट दिया हुआ है दोस्तों, लेकिन गेम प्ले वगैरह आपको अच्छी करा देता है नॉर्मल गेमिंग करते हो तो। अगर आप हेवी गेमिंग करोगे ना तो उस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम करेगा। फोन हीट वगैरह भी नहीं होता है, हीटिंग वगैरह को भी काफी अच्छे से कंट्रोल करके रखता है। वैसे इसकी स्टोरेज किस टाइप की है कंपनी ने नहीं बताया, लेकिन इसकी ऐप ओपनिंग, ऐप क्लोजिंग वगैरह अच्छी है, इवन रैम मैनेजमेंट वगैरह भी अच्छी है। बाकी इसका OS वगैरह मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है और आपको रियलमी का टी एडिशन देखने को मिल जाता है जो कि लाइट वर्जन है। अब यहाँ पे भाई आपको रिकमेंडेशन वगैरह, प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन वगैरह आपको शुरू में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा ये लोग तामझाम करवाते हैं, इधर से इंस्टॉल करवाते हैं, उधर से इंस्टॉल करवाते हैं एंड ये फोन लाइट UI के साथ आता है तो इसमें आपको काफी फीचर्स मिसिंग भी मिलते हैं। लाइक इसमें आपको ऐप लॉक देखने को नहीं मिलता है, डुअल ऐप क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, फ्लोटिंग विंडोज वगैरह देखने को नहीं मिलता है और इवन दोस्तों इस वाले फोन में मोड एप्लीकेशन वगैरह भी आप यूज नहीं कर सकते हो और जो ज्यादा MB के एप्लीकेशन होंगे ना उसको ये ओपन करेगा और बार बार क्रैश कर देता है, इन सब जगहों पे आपको थोड़ा बहुत दिक्कत करेगा, बाकी नॉर्मल यूजर्स पे आपको दिक्कत नहीं करेगा। बाकी अपडेट वगैरह का नहीं बताया ये लोग कि अपडेट आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। एंड अगर बात करते हैं इसकी कैमरा की तो इसमें आपको 50 MP का प्राइमरी सेंसर मिलता है और 5 MP का आपको सेल्फी कैमरा मिलता है। अब देखो फोटोज वगैरह मैंने इस वाले फोन से ली थी, फोटोज वगैरह अच्छे आते हैं, कलर्स वगैरह आपको अच्छे मिलेंगे, बाकी सेल्फी कैमरा भी अच्छा परफॉर्म करता है दोस्तों, 5 MP के हिसाब से जो फोटोज है वो अच्छी आती है। बाकी ये जो फोन है सेल्फी कैमरे से 720p पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है और रियर कैमरे से फुल HD वीडियो 30fps पे रिकॉर्ड कर सकता है। यहाँ पे आप वीडियोस देख सकते हो कि ये कैसे वीडियो रिकॉर्ड करता है दोस्तों। अब हालांकि भाई जिस प्राइस पॉइंट का ये फोन है उस प्राइस पॉइंट में हमें ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी है। अब नेटवर्क की बात करूं तो ये फोन एक 4G डिवाइस है और इसमें आपको 4G+ वगैरह का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। मैंने इससे कॉल किया था, कॉलिंग के दौरान मेरे को कोई दिक्कत देखने को नहीं मिला, अच्छे से आवाज आता है, अच्छे से आवाज जाता है। हालांकि इसमें नॉइज कैंसिलेशन माइक नहीं है दोस्तों, तो नॉइजी एरिया में अगर आप रहोगे तो अगले पर्सन को इधर उधर का नॉइज चला जाएगा, तो इसका आप ध्यान रखना। बाकी इसमें सिम स्लॉट ऐसा दिया हुआ है जहां आप 2 SIM के साथ एक SD कार्ड भी डाल सकते हो, तो ये मेरे को सही लगा। और इसमें गूगल डायलर दिया हुआ है तो कॉल रिकॉर्ड वगैरह करोगे तो दीदी अनाउंसमेंट कर देती है। खैर अब बात करते हैं कि मेरे को इस वाले फोन में क्या कुछ अच्छा नहीं लगा। सबसे पहले मेरे को भाई इसका डिस्प्ले उतना पसंद नहीं आया, मेरे को इसकी स्पीकर की क्लियरिटी वगैरह भी अच्छी नहीं लगी एंड यहाँ पे सेल्फी कैमरा वगैरह में भी ये लोग अच्छा कर सकते हैं। जिस प्राइस पॉइंट में ये फोन आता है उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसमें चीजें अच्छी दे रखी है, डिजाइन वगैरह अच्छा किए ये लोग, यहाँ पे बैटरी बैकअप वगैरह अच्छा है, कैमरा अच्छा है और इवन नॉर्मल यूजर्स के लिए परफॉर्मेंस वगैरह भी ये फोन अच्छी निकाल कर दे देगा। बाकी आप अपनी राय बताओ कमेंट करके कि आपको क्या लगता है इस वाले फोन
के बारे में। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना। चलो मिलते हैं फिर से किसी और ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे भाई।